जब तक मैं इस नेहा को इस घर से ना निकालू ना, मुझे चैन नहीं आएगा। तुम तीनों ने इस छत के नीचे एक साथ, तुम्हें नेहा और उसामा से माफी मांगनी चाहिए। मैं, मेरा बेटा यहाँ से जाएगा तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा। जब तक वो इस घर से नहीं जाएगी ना, मुझे चैन नहीं आएगा। रमशाह, मैंने तुम्हारे साथ कभी भी अच्छा सलूक नहीं किया। आपने फिर वही बातें छेड़ी? इसलिए क्योंकि मेरा जमीर मुझे मलामत कर रहा है। रमशाह, ये जो तुम मेरी खिदमत कर रही हो ना, मैं इसके काबिल नहीं हूं, इसलिए ना करो। तो फिर कौन करेगा? हुँ? किसी और को बुलाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल मैं बीवी हूं आपकी, और मैं अपनी जगह यहाँ किसी और को कभी नहीं आने दूंगी। हमजा, हमजा क्या कर रहे हैं आप? इस तरह खुद को और तकलीफ देंगे, क्या हो गया? रमशाह, मैं लेटे लेटे बेजार हो गया हूँ। अच्छा, मैं आपके कपड़े लेके आती हूँ चेंज करने, ठीक है? आ रही हूँ, आराम से बैठिएगा। मुझसे खुदाई मेरा तो जरा, एक ऐसी औरत के पीछे जो कभी तुम्हारी थी ही नहीं। रमशा जैसी मोहब्बत करने वाली लड़की को क्यों धोखा दे रहे हो? हमसे क्या इंतहा है? तुझसे बिछड़ा तो कितने दुखों से गुजरता रहा। जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। रमशा का खलूस और उसकी मोहब्बत ही मेरी असल दौलत है। मैं अब कभी भी इससे बेवफाई नहीं करूंगा। थक तो नहीं गया ऐसे बैठे बैठे? तुम्हें देख लिया, थकन दूर हो गई। अब आप मुझे बना रहे? नहीं, मेरे यकीन करो, मुझे पहली बार एहसास हुआ कि
इस वक्त उसामा नेहा के कमरे में। मरियम क्या हो गया तुम्हें, किस किस्म की बातें कर रही हो? तो चले मेरे साथ जाकर खुद ही पूछ ले कि इस वक्त इतनी रात को उसामा नेहा के कमरे में क्या कर रहा है। चले ठीक है, मैं जा रहा हूँ लेकिन आपको कहीं नहीं जाना था। देखा आपने काशिफ, अब तो आपको यकीन आ गया होगा ना। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? नेहा ये तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? इन लोगों को एक साथ देख के भी आप ये सवाल पूछ रहे? अच्छा तो ये आग तुमने लगाई? कुछ पूछ रहा हूं ना मैं तुमसे। बात करने आया था। अच्छा बात करने आए थे? उसामा ऐसी कौन सी बात है जो तुम रात को इस टाइम करने आए हो? काशिफ भाई आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? काशिफ कुछ नहीं कर, जो हम लोगों ने देखा है बस वो ही पूछ रहे हैं। क्या देखा है तुमने? हाँ ऐसे क्या देख लिया जो हमारे घर का सुकून बर्बाद करने पे तुली हुई हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, पागल हो गए हो? इस तरह होता है ये कोई टाइम है? सारी बात का फैसला मामा पापा करेंगे। ठीक अभी इसी वक्त उनके हम कमरे में जाएंगे और बात करेंगे सारी। ठीक अभी चलते हैं, अभी बात करते हैं। लेकिन अभी वो सो रहे होंगे। बस अभी इसी वक्त बात होगी इस बारे में। ठीक चलो बात है तुम लोग इस वक्त? मामा सॉरी आपको हमने इस वक्त डिस्टर्ब किया है। क्या बात है कुसुम, कौन आया है? इकबाल आप सो जाएं, मैं इनसे बात करती हूँ। नहीं मैं खुद बात करता हूँ। हाँ बताओ क्या बात है? नेहा क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? जी रो रही हैं और मरियम की वजह से रो रही। क्या किया है मरियम ने? घटिया इल्जाम लगाया मुझ पर नेहा बाद में। ये कह रही है कि मैंने और काशिफ ने अपनी आंखों से देखा है उसामा नेहा के कमरे से निकल रहा था। पहले भी कई बार क्या साबित करना चाहती हो तुम? मैं तो बस मुझे शायद गलतफहमी हो गई। बगैर सोचे समझे तुम्हारे जहन में बस एक ख्याल आया और तुमने मरियम मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, माफी चाहती हूँ। रमशा मैं जानता हूं कि हमारे आने वाले हालात इतने अच्छे नहीं होंगे। मैं तुम्हें वो आसाइशें तो नहीं दे सकूंगा जिसकी तुम आती हो, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि हमारे नए घर में मोहब्बत हो, प्यार होगा, खुशी होगी और एक दूसरे का एहतराम होगा। आप मुझे जहां भी रखेंगे, जिस हाल में रखेंगे मैं खुश रहूंगी। मुझे बस पप्पो की फिक्र है, वो हमारे जाने से बहुत दुखी हो जाएंगे।
हमजा तुम कहीं जा रही? हम रमशा घर छोड़ के जा रहे हैं। घर छोड़ के जा रहे? मतलब ये क्या बात है, बताओ मुझे क्या बात है। हमें वक्त आ गया है कि मैं अबू के साये से निकल के अपनी जिंदगी का रुख बदल सकूं। ऐसे नहीं जा सकते तुम। मेरी बात सुनो हमजा, बेटा तुम्हारे अबू की तो आदत है, वो कभी भी किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि हमें यही अच्छा वक्त है कि मैं अपने आप को परख सकूं, जान सकूं कि सारी उम्र अबू के टुकड़ों पे पलने की बजाय खुद मेहनत करके भी किसी मकाम पे पहुंच सकता हूं कि नहीं। इसी हालत में चल भी नहीं सकते साथ, ऐसे कैसे? जानता हूं नहीं चल सकता, लेकिन अम्मी अगर आज मैं अपने कदमों पे खड़ा हो गया ना, सारी उम्र लड़खड़ाऊंगा नहीं। तुम लोग हाजन के घर जा रहे हो? नहीं अम्मी, अब जिंदगी अपने बलबूते पे जीनी है मैंने। किसी के सहारे पे नहीं। मैंने अपने दोस्त को कह दिया था कि मेरा रमशा के लिए घर तलाश कर दे, उसने घर तलाश कर दिया, पर थोड़ी देर में आता होगा व्हील चेयर लेकर भी। फिर हम दोनों चले जाएंगे। ऐसे कैसे जाओगे? मैं नहीं जाने दूंगी इस तरह, मैं नहीं जाने दूंगी। रमशा रुका, नहीं हमजा नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी तुम। महमूद 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 Assalamualaikum everybody, this is Hajra Yameen. Please do like AYDigital's page on Facebook and subscribe to their YouTube channel as well.